लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। यार मैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, पुलिस में सब कुछ है मेरे पास। मैं लेडीज का हेलमेट नहीं, चालान बनाना तो पीटने का थोड़ी है तुम्हारा। उन्हें मैं ना गर्मी दिखा के उन्हें मैंने अंदर बैठे नू मेरा अपना हथों पकड़ के उसने मैंने मतलब बाहर खींच दिया। तुम मतलब देख भी सकते हो जरा मेडिकल भी मैं करवा के आया हूं। चंडीगढ़ में एक बाइक सवार और डीएसपी ट्रैफिक एसपीए सोंधी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 22 का है, जहां पर इन दोनों की आपस में जमकर झड़प हुई। चंडीगढ़ के ट्रैफिक डीएसपी एसपीए सोंधी पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा है। ये आरोप पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने के बाद मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ घर लौट रहे एक पीजीआई नर्सिंग स्टाफ के सदस्य ने लगाया है। बाइक सवार का नाम शिवनाथ है और शिवनाथ ने मीडिया से बात करते हुए ये पूरा वाक्य बताया। मैं सर सुबह अपने बच्चे की पीटीएम मीटिंग के लिए एमडीए स्कूल सेक्टर 22 गया, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में। कितने बजे सुबह? यही 10:30 गया, 11:15 वापस आ गया लगभग बाहर। तो ये जो किरण थिएटर की साइड लाइटें हैं जो वहाँ पे, मैं रेड लाइट का वेट कर रहा था बाइक पे, मेरी वाइफ पीछे बैठी थी, बच्चा बैठा था मेरे साथ में। तो वहाँ से पीछे से रेड लाइट इनोवा आई और इनोवा लालबत्ती इनोवा आई, उसने हॉर्न मारा, मैंने साइड किया तो मेरे साथ आके बोली तुम लोग नहीं सुधरोगे क्या? मैंने कहा सर मेरी क्या गलती है? वहाँ पर उसमें दो गनमैन थे और एक ड्राइवर था और एक सिविल यूनिफॉर्म में अपने आप को वो चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी बता रहे थे, बाद में पता चला। तो वो मैंने कहा सर मेरी क्या गलती है? कह रहे साइड में लगा, मैं तेरे को बताता हूँ तेरी क्या गलती है। साइड में गया तो मैं तो वहाँ पर गनमैन बोल पड़ा, कह रहे सही आपका बच्चा बैठा था इसलिए बच्चे का चालान होगा, ट्रिपल राइडिंग है क्या पता। तो मैं उनके पास सर से बात करने गया तो सर अंदर गाड़ी के अंदर बैठे थे उस टाइम, कहने लगे कि भी मैं तेरे को सिखाता हूँ बताता हूँ क्या होता है। मैंने कहा सर मैं ये आप ट्रिपल राइडिंग देख रहे हो, मेरे पास कार नहीं है, बच्चे की पीटी में आया था और मैं कार नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। कह रहे मैं तेरे को सिखाता हूँ। इस बीच में सर तेज़ गुस्से में गाड़ी का गेट खोलते हुए बाहर आ गए और वहाँ पे एक खड़ी एक्टिवा वो गिर गई और उन्होंने मेरे आते ही सीधा बाहर आके गला पकड़ लिया और उनके जो दो गनमैन थे उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और वो मुक्के से मेरे को सर पे नाक पे मारने लग गए। कह रहे चलो तेरे को अब सिखाता हूँ और मैं ट्रेपर ठोक दूँ। कोई जाति दुश्मनी सर मैं तो जानता ही नहीं, उनका नाम भी मेरे को बाद में पता चला, हमारे न तो कोई पड़ोसी है न मेरा उनके साथ कोई पुराना ऐसा इश्यू है। आप क्या करते हैं? मैं सर पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम करता हूँ, पिछले 10 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। नहीं सर, वो सर खुद अपनी मर्जी से बाहर आए थे, मेरे तो दो गनमैनों ने हाथ पकड़ लिए थे तो मैं उनका कैसे मैं मतलब खींच के बाहर निकालूंगा। मैंने कोई गाड़ी में एक मैं बी लेवल का कर्मचारी, मैं उनकी मेरी कैसे हिम्मत है कि मैं डीएसपी पे हाथ डाल दूं जिसके साथ दो गनमैन है। उस टाइम आपको पता था कि डीएसपी हैं वो? जब उनकी गाड़ी थी उन्होंने बता दिया कि मैं डीएसपी हूं, तो मेरे को तो अब रेड लाइट पे साइड में जाके इशू हुआ, हेलमेट उतार के गया मैं वहां पे। जब मैंने कहा सर रिक्वेस्ट कर लेते सर से, कोई बात नहीं, चालान तो चालान, इसकी चालान बुक निकालो, इसका चालान बनाते हैं, इसको साले को देखते हैं, इसको ले चलो थाने, इसको सिखाते हैं, इसको ठोक नहीं। और मेरे को कह रहे हैं तू तो क्या तेरे को ठोक दूंगा, वही जो वाक्य हो उसकी रिपोर्टिंग दर्ज कराई, वाइफ के बयान लिए गए हैं, मैंने अपनी डीडीआर की कॉपी सेक्टर 22 चौकी पे दी है, उसकी मेरे को कॉपी रिसिप्ट नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ और नहीं मेरे पे मेरे वहाँ पे उधर से प्रेस राइज भी किया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं तो सर अगर मेरी गलती थी मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करो, उनकी गलती तो उनके विरुद्ध भी हो। इसी के साथ बाइक चालक की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी और उन्होंने अपने पति का साथ देते हुए इंसाफ की मांग की। हम सुबह पहले पीटीएम गए थे बच्चे के स्कूल में और वापस अटेंड करके आ रहे थे, तो रेड लाइट हो रखी वहाँ पर खड़े थे, पीछे से इनोवा कार आ रही थी तो फिर खड़ी वो हम खड़े थे, हॉर्न बजा रहे थे पीछे से, तो हम साइड हो गए थे, फिर साइड होके वो भी साइड खड़े थे, फिर शीशा उतार दिया कार का, शीशा उतार सीधे बोलने लगे तुम लोग सुधरोगे नहीं, फिर साइड में कर दो गाड़ी, फिर गाड़ी साइड में कर दी थी, फिर वहाँ पर साइड में होके आगे चले गए, कार आगे जाके खड़ी हो गई इनोवा उनके पास चले गए, फिर जो गनमैन थे वो आए थे कि वो बच्चे बैठा रखे तो चालान होएगा, तो चलो कोई ना सर से बात करते हैं, तो बात करने गए तो इन्होंने सीधा बोला कि बात मतलब क्या है, हम ये नहीं कर सकते, कार बाइक पे तो आएंगे बच्चे को लेके, तो उन्होंने सीधा मतलब कि तू मुझे सुधारेगा क्या, क्या बताएगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए थे उन्होंने, फिर सीधा ही उन्होंने इतना गुस्सा था कि पहले तो ठोक दूंगा गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे, फिर बाद में उन्होंने गाड़ी एक जोर से गेट खोला, बहुत गुस्से में थे, फिर पीछे एक्टिवा खड़ी थी वो भी गिर गई थी और बाहर आके सीधा ही गला पकड़ के 3-4 तो थप्पड़ मारे, फिर मुक्के मारे नाक पर, गला इतना टाइट पकड़ लिया, मैं बीच बचा इतना करी कोशिश बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, एक दो आदमी और भी आए थे छुड़वाने, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जो गनमैन थे उन्होंने पकड़ रखा था दोनों हाथ मारे थे, और फिर
छोड़ के उन्होंने वो छुड़वा लिया, वो जाके कार में बैठ गए वापस। फिर बहुत पब्लिक आ गई थी, इकट्ठी हो गई थी वहाँ पर। फिर PCR कॉल किया था हमने, फिर वो भी आई थी, फिर सारा बात हुई थी उनसे। नहीं, उन्होंने वही बाहर आए थे, मार पीटा कुछ कुछ नहीं किया, यानी मारा पीटा इन्होंने भी नहीं, सिर्फ पकड़ कुछ नहीं किया इन्होंने, तो अपने बचाव के लिए मारा पीटा नहीं था, और मैं भी बचाव के लिए बीच में घुसी थी इनको। पहले जो है मारपीट उनकी तरफ से, उनकी तरफ से शुरू, वही बाहर आए थे, बहुत गुस्से में थे, फिर बाहर आए थे वो, इतना गुस्सा कि पता नहीं क्या करेंगे। मैं साथ में बिल्कुल खड़ी थी, हम तो ये कार्रवाई चाहते हो, इन पर कुछ कार्रवाई हो, कुछ एक्शन होना चाहिए। इस पूरे मामले में PGI नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो वो DSP के खिलाफ हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी तरफ से ये है कि हम चाहते हैं कि उस DSP पे जो भी उन्होंने किया है आज, वो ह्यूमन राइट्स के सरासर खिलाफ है और रूलों के भी खिलाफ है। हम चाहते हैं उन पर सख्ती से सख्त कार्रवाई हो। जैसे UP बिहार में जो पुलिस का रवैया देखने को कल परसों मिट्टी भी मिल रहा था, इस तरह से चंडीगढ़ में पहला वाक्य हुआ है बच्चों के सामने, उसके सामने जो किया है उसके लिए सख्त सख्त उसको कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में नहीं होता है तो तीनों हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन इसका विरोध करेगी और प्रोटेस्ट करेगी। हम हड़ताल पर भी जाएंगे, अगर एक्शन नहीं किया, उसको सस्पेंड नहीं किया, तब हम इस पर जाएंगे। कल हमने गवर्नर साहब से टाइम लिया, सुबह 8 बजे का हमें टाइम मिला है गवर्नर साहब से, हम सुबह 8 बजे गवर्नर साहब को मिलेंगे। फिर भी अगर एक्शन नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई, हम स्ट्राइक तक भी जाएंगे। हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। ये ह्यूमिलेशन हुआ है फैमिली के सामने, उसके बुरी तरह से इस तरह से मारना और फैमिली स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा इतना हुआ है जो उसके बच्चों के सामने क्या हालत हुई होगी। कोई भी ऐसे बुरी तरह से नहीं मार सकता, ये अमानवीय व्यवहार किया है, उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में SP सोंधी ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट पहनने की केवल सलाह दी थी। इसके अलावा SP सोंधी ने कहा कि झड़प के दौरान बाइक चालक ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की। मामला तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं सीगा, मैं जस्ट अपने घरों निकलिया सेक्टर 22 दे विचों, मैं गड्डी पे सीगा, मेरे स्टाफ नाल सीगा, एक बंदा अजे तक उहदा मैनू नाम भी याद नहीं है, उहदा नाम की हैगा, मैं शीशा अपना उतारिया, उस नाल गल कीती, उस दे स्कूटर वहीकल दे उपर उसदे दो बच्चे, उहदी वाइफ बिना हेलमेट तो बैठे। मैं सिर्फ उहनू इन्ना ही कहा, भाई साहब जिवें दे तुसीं हो उदां दे तुहाडे बच्चे है, इहनां नू वी हेलमेट पा दिओ। हुण थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तुहानू सारा पता है पाना चाहिए, इन्हों की भी जिंदगी जरूरी हैगी है। जिस गल सुननी नहीं उन्हें मेरी, कहता भी मैं गड्डी ले लाँ, कहता गड्डी दे मेरे को पैसे है नहीं। मैं कहा मैं भाई साहब गड्डी दे पैसे की गल नहीं करता, तुसी कम से कम इन्हों हेलमेट तो लैके दे सकते हो। नहीं, कहता मैं नहीं लैके दे सकता। मैं कहा भाई ठीक है, मैं अपने ऑफिस जा रहा सीगा, ईवन अज ही मैं ड्यूटी ज्वाइन करनी सी, काफ़ी दिन बाद बीमार सीगा, तो एक साइड पर ला के मैं उन्हें गल की, मैं कहा जी अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैं गड्डी दे विच अंदर ही बैठा सीगा और मार्केट वाले भी सामने सारे देख रहे थे। उसने कहा कि मेरे कोई कागज़ नहीं है। मैं कहा जी फिर कागज़ फिर तो कार्रवाई होगी। उसकी वाइफ ने भी उन्होंने कहा भी कागज़ दिखा दो भी की प्रॉब्लम हैगी है। मान लो अपनी वाइफ ने भी वो मतलब गर्म हो गया, NH उन्हें मेरा गर्मी दिखा के उन्हें मैंने अंदर बैठे उन्होंने मेरा अपना इतों पकड़ के उसने मैंने मतलब बाहर खिंचा। तुम मतलब देख भी सकते हो, जो मेडिकल भी मैं करवा के आया है, ठीक है। मैं उन्होंने अपने आप छुड़ाया, छुड़ा के उन्होंने ताकि बार बोल के उसकी वाइफ ने भी उन्होंने पिछले खिंचया, उन्होंने मतलब उसकी वाइफ ने खिंचते खिंचते उन्होंने धक्का लग्या, वो नीचे गिर गया, क्योंकि एग्रेसिव बहुत सी। NH मैंने पता उ बाद पता लग गया कि हल्की जी कोई चोट भी लगी हुई जिम्मे मेरे लगी है। जस्ट यही सी, इस तो अलावा कोई होर गल ही नहीं है। मार्केट वाले जिसनों मर्जी पूछ लो, सारे मार्केट वाले उत्थे आए, सब सबू पता सामने देख रहे हैं। मेरा DSP रैंक का मैं ऑफिसर हाँ, मतलब मैंने की लोड़ है किसी को कुटमार करने की। कार्रवाई नैचुरली मैं कार्रवाई तो अफसर के नॉलेज लियाता है, कंप्लेंट दे रहा मैं, जो भी एक्शन बनता होएगा वो पुलिस को लोकल पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का साढ़े हम सारे मुलाजम है सड़कों के उपर है, सारे अपने ट्रैफिक में देख रहे हैं, तो भी सारा पता कि किन्ना ट्रैफिक का अजकल भी जो भी सिनेरियो चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या मतलब लोगों को असी ये तो नहीं है कि असी देख के लोगों उन्होंने कोई सट छुट लगन देंगे, कम से कम उन्होंने एजुकेट तो कर रहे हैं ना, छोटा चलान चलान ही है ना, पैसे दे के कम से कम मतलब समझ जाएगा चलो यार मैं चलान कर लिया है, मेरा चलान हो गया, एक बार हो गया, दूजी बार हो गया, तीजी बार नहीं करूँगा, इन्ने ऑफेंस हो गया। सिर्फ साडा मकसद यही है, होर साडा कोई चंडीगढ़ पुलिस का ईवन मैं कि होर बंदा भी क्यों किसी को कुटमार करेगा, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी है, अगर साढ़े दसन के बावजूद भी वो नहीं समझ सकते, इट्स अप टू देम, ठीक। इस तो अलावा कोई होगा। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट।
नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।